कोरोना महामारी के इस संकट काल में गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, अतः मूर्तियों का विसर्जन घरों में ही करने की अपील महापौर संदीप जोशी ने लोगों से की। उन्होंने कहा कि तालाबों में विसर्जन को लेकर पाबंदी लगाई गई है। फर्जी दस्तावेज बनाकर खेती हड़पने के मामले में क्राइम ब्रांच ने आरोपी संतोष अम्बेकर को जेल से गिरफ्तार किया। शुक्रवार को उसे कामठी के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया है। न्याय दंडाधिकारी ने सुनवाई के बाद अम्बेकर और उसके भांजे नीलेश केदार को 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। महामेट्रो नागपुर परियोजना के रीच 4 अंतर्गत सीतापड़ी इंटरचेंज तथा प्रजापति नगर के दरमियान कुल 10 किलोमीटर अप और डाउन मार्ग लंबी पटरी बिछाने का कार्य पूर्ण हुआ। इस मार्ग पर कुल 16 किलोमीटर लंबी पटरी बिछाई जाएगी। इस भाग में हो रहे कार्य का सबसे अहम हिस्सा आनंद टॉकी से कॉटन मार्केट चौराहा तक का महामेट्रो 231 किलोमीटर लंबे बैलेंस कैंटिलीवर का निर्माण कार्य है। कक्षा 11वीं की प्रवेश प्रक्रिया में अब 40,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने पंजीनीय किया है। इनमें से 33,577 विद्यार्थियों ने आवेदन के प्रथम भाग और 33,562 विद्यार्थियों ने दूसरे भाग भरा है। 30 अगस्त से मेरिट लिस्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि दूसरा भाग भरने वालों में से केवल 29,159 विद्यार्थियों ने ऑप्शन भरे, जिसमें 11वीं में प्रवेश पर खाली जगहों का संकट खड़े होने की संभावना दिख रही है। 24 घंटे के भीतर शहर में 3 लोगों की फांसी लगाने से मौत हो गई है। इनमें एक व्यक्ति ने YouTube पर फांसी लगाने का तरीका देखा और घटना को अंजाम दिया। आत्महत्या के कारण अभी तक अज्ञात है। यशोधरा नगर बर्डी और कलमनाथ थाने में आकस्मिक मृत्यु के मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 3 से 4 दिनों से कभी हल्की कभी तेज बारिश होती रही है। इसका असर पारे पर पड़ रहा है। 3 दिन में पारा 9 डिग्री खिसक कर 34 से 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। गुरुवार का अधिकतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस था, तो 2.6 की गिरावट के साथ शुक्रवार को पारा 25 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो औसत 6.1 डिग्री सेल्सियस कम है। नागपुर में शुक्रवार के तड़के से शुरू हुई बारिश देर रात जारी रही। मध्यम तेज रफ्तार से होने वाली बारिश की वजह से दिन और रात तापमान मात्र 2.2 डिग्री का अंतर ही रह गया। 24 घंटों में नागपुर में 52.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगस्त के बचे हुए दिनों में बारिश से राहत के आसार नहीं है। महालक्ष्मी की स्थापना के लिए वर्धा गए वकील के घर से चोरों ने नकदी सहित 7,30,000 रुपए के गहने उड़ा लिए। यह वारदात थामला इलाके में हुई। वकील श्रेय बागड़े रिश्तेदार वर्धा में रहते हैं। बागड़े परिवार सहित वर्धा गए थे। इसी दौरान चोरों ने दरवाजे का ताला तोड़कर बेडरूम की अलमारी से 7,000 रुपए तथा 6,70,000 रुपए के गहने उड़ा लिए। गुरुवार की शाम बागड़े को घर पहुंचने के बाद चोरी का पता चला। उन्होंने प्रताप नगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया है। सस्ती कीमत में सोने की बिक्री का झांसा देकर ठगी करने वाले टोली रंगे हाथ जरीपटका पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। पुलिस ने महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसटी महामंडल में भी कोविड की एंट्री हो गई है। यहां 5 कर्मचारी संक्रमित हुए, इनमें से एक की 2 दिन पहले ही मृत्यु हो गई। गणेशपेट डिपो के ड्राइवर को 1 माह पूर्व संक्रमण हुआ था, जो ठीक हो गया था। डीसी ऑफिस के अभियंता को संक्रमण हुआ था, इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। 8 दिन पूर्व वर्धमान नगर डिपो के पर्यवेक्षक को संक्रमण हुआ, लेकिन हालात स्थिर है। गणेशपेट डिपो का एक कर्मचारी भी कोविड की चपेट में आ गया है।